दोस्तों आज फिर जंगली रिजॉर्ट जा रहा हूँ। रास्ते की वीडियो बनाई नहीं मैंने, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं एक ही चीज देख देख के। लेकिन सनसेट बहुत सुंदर हो रहा है तो मैंने रोक के शूट किया, बाकी आगे चल के दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों हमारे जैन साहब हैं, ये चिल्ला जो चिल्ला नेशनल पार्क का सफारी गेट है उससे आप आगे बढ़ोगे। मैं आपको बाहर का गेट दिखा देता हूँ, पहले ये दिखा दूँ। ये इनकी रबड़ी है, बहुत ही टेस्टी, अभी मैंने खाई। आया था मैं गाजर का हलवा खाने, लेकिन बोल रहे सीजन खत्म हो गया, लेकिन रबड़ी बहुत टेस्टी है, 50 रुपए का एक कप है, बहुत अच्छी है। चिल्ला सफारी गेट है, ये है जैन स्वीट शॉप एंड रेस्टोरेंट, और इधर हमारा जंगली रिजॉर्ट है। ये हमारे जैन साहब, हमारे यहाँ जो है जितना भी दूध जंगल से आता है उसी दूध की रबड़ी, उसी का पनीर, उसी का मावा, अच्छा। उसी की बर्फी, बाजार का कोई मावा नहीं आता हमारे। अच्छा, सब जंगल का उत्पादन है। अच्छा अच्छा, बस कोई हेरा फेरी नहीं, कोई मिलावट नहीं, साफ सुथरा काम। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी था। अगर आप आ रहे हो, आपको भूख लगी हो तो जरूर इनके रुक के बाकी सामान भी मिलता है खाने पीने का। ये दूध की रबड़ी बन रही है इनकी यहाँ पे, ये मावा है, और ये मावा है, समोसे वगैरह बन रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं चला था 3 बजे इंद्रपुरम से, और 2.5 घंटे में हरिद्वार आ गया। कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि 2.5 घंटे में पहुंचना है, लेकिन बीच में रुकने का मन नहीं हुआ। जनरली 3 घंटे में हरिद्वार पहुंचे थे, लेकिन देखा 2.5 घंटे में, जबकि नॉर्मल स्पीड से 100 की स्पीड से आया, कोई तेज भी गाड़ी नहीं चलाई, या तो ट्रैफिक कम था या जो भी था। रास्ते में केवल एक अमरूद खाया था, अमरूद खाया जब मैंने गाड़ी रोकी तो देखा तो वो शक्ल में उसके पहचान के मैंने कहा जब्बार, बोला नहीं सर शब्बर, मैंने कहा हाँ भाई। तो 2019 में जब मेरे 200 सब्सक्राइबर थे तब मैंने गाड़ी रोकी थी एक बार अमरूद खाने के लिए। अमरूद तो हर बार खाता हूँ मैं, तो इसकी पोजिशन कहीं और थी इसकी, तो इसी से खाई थी। तो इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, बोला सर मैं तो कभी आया नहीं वीडियो में, तो डीपी भी मैंने इसी की लगा दी थी शब्बर की। आपको मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, तो वो मिला तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसने बोला सर मेरी दोबारा बनाओ, तो मैंने केवल उसका छोटा सा वीडियो शूट किया था, वो आपको दिखा रहा हूँ उसके आगे, क्योंकि बार बार वही रास्ता क्या दिखाना था। फिर यहाँ थोड़ा भूख लग गई थी तो आया था मैं इनके जैन साहब के यहाँ गाजर के हलवा खाने, तो फिर वो तो नहीं था, तो रबड़ी खाई तो वो बहुत टेस्टी लगी। तो अब मैं चल रहा हूँ जंगली रिजॉर्ट की तरफ। यहाँ से केवल, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से जंगली रिजॉर्ट केवल 15 किलोमीटर दूर है। दोस्तों ये शब्बर है, इनकी 2019 में मैंने वीडियो बनाई थी, मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ। तो इस बार मैंने अमरूद खाने के लिए, ये इनकी, ये कौन सी जगह है, मंगलोर नहर के ठीक पहले, ये जो बोर्ड लगे ना, एक राइट हैंड साइड में मंदिर है, पुल के पहले जब आप सामने हरिद्वार है तो इधर पे इनके ये दूसरा या तीसरा नंबर का है ये ठेला। बाई चांस मैंने गाड़ी रोकी तो शक्ल में पहचान गया, मैंने कहा जब्बार, तो बोला नहीं जब्बार नहीं सर शब्बर। तो इनका मैंने डीपी भी लगाया हुआ, तो 2019 में मैंने वीडियो बनाया था, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप देखना जरूर। ये शाम का टाइम है तो चिल्ला कॉलोनी है, उसमें लोग जो रहते हैं वो वॉक कर रहे होते हैं, इवनिंग वॉक, क्योंकि ये चिल्ला डैम है पीछे, चिल्ला कॉलोनी है, तो शाम के टाइम पे बहुत सारे लोग घूमते दिख जाते हैं। एक छोटा सा ये पार्क बनाया हुआ है, लेकिन बैठना मुश्किल है क्योंकि बंदर इतने होते हैं यहाँ पे। ये चिल्ला डैम तो मैंने अपने हर वीडियो में दिखाया है, लेकिन ये शाम का टाइम है तो लोग वॉक करते हुए। ये चिल्ला डैम दिख रहा है, और इस साइड ये गंगा नदी है, ये नहर जाके गंगा नदी में मिल रही है। ये पानी गिर रहा है, 4 टरबाइन है, और ये एग्जिट तो पानी की 5-6 है। अच्छा ये ओवरफ्लो है कि इनसे टरबाइन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि टरबाइन का पानी तो नीचे से निकलता होगा ना। ये हाइड्रो पावर है, ये गंगा नदी में एक कैनाल बनाई गई है, ऋषिकेश से निकलती है और ये हरिद्वार में जाके मिल जाती है, बस उतनी देर का है। यहाँ इन बिटवीन हाइड्रो पावर से पावर बनती है और पानी वापस गंगा में मिल जाता है। ये लोग भी टहल रहे हैं, चिल्ला कॉलोनी के ही हैं। हाइड्रो पावर कैसे बनती है तो आपको पता ही होगा, पानी को जोर से टरबाइन होता है, बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, पंखे जैसे हमारा एग्जॉस्ट फैन था उस टाइप के व्हील्स होते हैं, उसमें पानी जोर से गिरता है और जो टरबाइन घूमती है उससे जो ट्रैक्शन होता है उससे बिजली बनती है। एक जोक था पहले, एक मूवी में भी दिखाया था, शूल मूवी में दिखाया था, लेकिन उसके पहले जोक कि शूल मूवी तो वो नेताजी जो विलन था वो विधानसभा में बोलते हमारे किसान को वैसे ही अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, अब आपने उसकी बिजली भी निकाल ली, उस पानी में क्या जान बचेगी। तो वो जोक था पहले। तो पानी का बिजली बनने से पानी की क्वालिटी से कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसका काम है केवल फोर्स है उस पंखे को घुमाना,
जिससे कि बिजली बन रही है वो यही बनती है चिल्ला हाइड्रो पावर, लेकिन इसमें शूटिंग करना अलाउड नहीं है। आप जा सकते हो परमिशन लेके, लेकिन कैमरा नहीं ले जा सकते। अब दोस्तों 6:30 बज गए शाम के, अब जंगल में घुसने वाला हूँ और जंगल में घुसे घुसे ही अंधेरा हो जाएगा जब जंगली रिजॉर्ट पहुंचूंगा। डिस्टेंस केवल 10 किलोमीटर है, लेकिन गाड़ी धीमी चलाते हैं क्योंकि रिवर बेड है, तो टाइम लग जाता है आधे घंटे के आसपास का। 7 बजे करीब जंगली रिजॉर्ट पहुंचूंगा। इन बिटवीन हाथी राजा मिलेंगे या मिलने का चांस है। और दूसरी बात, पिछली बार मैं और सुनील थे, तो सुनील गाड़ी चला रहे थे, मैं उनको गाइड कर रहा था। इस बार मैं अकेला हूं गाड़ी में। ये देखो इधर इधर कोई नहीं है, तो मैं तो कह रहा अकेला चलते ही। आपने मेरा पूरा कुमाऊं वाला ट्रिप देखा ही होगा, मैं 600-700 किलोमीटर दूर चाइना बॉर्डर में मुंशारी है, वहां भी अकेले ही गया था। हाथियों के बीच में बहुत बार अकेला गया हूँ, बहुत बार हाथियों ने मेरा पीछा भी किया है, तब जब मैं यूट्यूबर नहीं था। मैं यूट्यूबर तो प्रॉपरली 2019 में बना हूं, और लेकिन ये रिजॉर्ट मैंने 2014 में बनाया था। इस बार भी मैं 4 कमरे बनाने आया हूँ, बर्डिंग हट्स, 3-4 दिन रहूंगा। तो ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करके मैं जो कैंप्स थे उनको हटा के बर्डिंग हट बना रहा हूँ। सामान पहुंच चुका है, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। 3-4 दिन में ही वो बर्डिंग हट्स पूरी हो जाएंगी, क्योंकि 19 को एक बड़ा ग्रुप आ रहा है, वो उसमें रुकेगा, उसके पहले मुझे रेडी करनी है। तो जब तक ये हट बन नहीं जाएंगे मैं वापस जाऊंगा नहीं। मैंने वीडियो पहली बार बनाया था जुलाई 2019 में वैली ऑफ फ्लावर का, वो बिना बोले, उस वक्त बोलना आता नहीं था कि कैसे बोलना है क्या है, ऐसे ही बना दिया था। मेरे चैनल में आप देखोगे तो 2013 लिख के आता है, लेकिन वो इसलिए आता है कि एक वीडियो मैंने ताशकंद की डाली थी, वो बुलेट ट्रेन की है, वो वीडियो पड़ी है अभी भी, 1,31,000 के आसपास व्यू है उसमें। तो वो ऐसे ही शूट की थी सैमसंग के मोबाइल से, बिना कुछ बोले और बस ही डायरेक्ट अपलोड कर दी थी। तो जब ये चैनल बनाया मैंने सोचा कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, तो मेरे पास 2 चैनल थे, ऑप्शन थे, दो मेरी ईमेल आईडी थी, जिसमें कि दो, एक में 194 सब्सक्राइबर थे और एक में 225 के आसपास सब्सक्राइबर थे। तो मैंने उसको कंटिन्यू किया जिसमें ज्यादा थे, मतलब 200 सब्सक्राइबर थे, मैं बनाने नहीं पड़े, वो मेरे उस वीडियो से ही आ गए थे ताशकंद बुलेट ट्रेन वाले से, क्योंकि उस टाइम पे भी उसमें 1,90,000 ऐसे व्यू थे। और दूसरे वाले चैनल में भी बहुत कई वीडियो थे जो चले हुए थे, ऐसे ही मैं कहीं भी शूट करके बिना बोले बिना एडिट किए डायरेक्ट अपलोड कर देता था उसको। तब फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया उस आईडी को, तो दूसरा वाला चैनल जो जिसमें 194 थे उसमें आज 350-400 ही सब्सक्राइबर है। इस वाले में अभी आज की डेट की बात करेंगे तो 35,300 सब्सक्राइबर है। ये आ गया तीसरा पुल जिससे हमें राइट लेना होता है चिल्ला हाइड्रो पावर के बाद, पहला पुल, दूसरा और तीसरे से हमें राइट लेना होता है। यहाँ बहुत सारी जिप्सियां खड़ी होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे चाय की दुकान है काफी बड़ी तंबू वंबू तान के, और यहां से हम राइट लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में ऋषिकेश है, ये नहर, राइट हैंड साइड से हम आए हरिद्वार, और ये है, तो यहां से हमें सीधे जाना होता है, लेफ्ट नहीं जाना होता क्योंकि ऋषिकेश चले जाएंगे, राइट में इस गांव के अंदर चले जाएंगे। ये कौड़िया गांव है, और ये आ गया हमारा, ये हमारे मोहन जी टहल रहे हैं। मोहन जी क्या हाल चाल? बेर एक दो बस एक। तो देखो ये मोहन जी को आपने कहीं देखा है, चिल्ला सफारी में देखा है, जो हाथी बैठे, हाथी जब चिल्ला रही थी हथनी, ये बाई चांस टहलते मिल गए, इनका घर यही है। ये जंगल में एंटर कर गए और लाइट जला दी है मैंने, अभी जंगल में एंटर कर गया, और क्योंकि बीच में एक फोन आ गया था और मुझे बहुत जोर से सूसू लगी थी, लेकिन मैं भूल गया इस पॉइंट पे तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ रोका, पर हाथी जी पीछे से आएंगे, बोलेंगे अवस्थी जी चैनल सब्सक्राइब करूं क्या। तो अभी ये 1 किलोमीटर का जंगल निकल जाए, फिर ओपन रिवर बेड आता तो गाड़ी रोक के सूसू करूंगा, लेकिन यहाँ 1 किलोमीटर में तो रोकनी ही नहीं है। ये हाथी का रास्ता ये जा रहा है, ये हाथी का रास्ता है, हाथी के जाने से झाड़ियां हट जाती हैं, और इस एरिया में लैंटाना ज्यादा नहीं, कल मैंने वीडियो बनाया था लैंटाना का,
यहाँ नहीं, लेकिन है हर जगह, हमारे रिजॉर्ट में पीछे है। इसको मैं कटवाऊंगा, हर साल मैं कटवाता था, 8-10 हज़ार खर्च होते थे। जब से कोविड आया तो मैंने कटवाया नहीं, क्योंकि पैसे वैसे कम थे, बुकिंग हो नहीं रही थी तो वो। लेकिन इस बार अभी कटवाऊंगा। अभी अभी मेरे एक सब्सक्राइबर का फोन आ गया था, मेरी गाड़ी से एक किलोमीटर के आधा किलोमीटर पीछे हैं, वो भी जंगली रिजॉर्ट आना चाह रहे थे। तो मैंने, लेकिन उनको एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश में कुछ काम है, तो मैंने कहा भाई अगर अभी आ रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ, यहाँ रिवर बेड में रुकने में कोई खतरा नहीं है। तो लेकिन अगर आप वैसे बोलोगे फिर आपको रात को रास्ता दिखेगा नहीं, फिर जिप्सी करके आना पड़ेगा। तो अभी 2 मिनट में कॉल कर रहे हैं, तब तक मैं साइड में लगा के सूसू भी कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई खतरा नहीं होता। ये अपना ड्राई रिवर बेड है, यहाँ गाड़ी खड़ी करो तो कोई भी जानवर आएगा तो आपको दूर से दिख जाएगा। और दूसरा कोई जानवर का डर भी नहीं है, हाथी का ही डर होता है तो वो दूर से दिख जाता है।